भारत में कब छपा था 10,000 का नोट? क्यों 5 के सिक्के का मेटल बदला गया? एक नोट पर कितनी होती हैं भाषाएं? बीते कुछ दिनों में भारतीय नोट मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। कारण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि भारत सरकार को भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी छापनी चाहिए। हालांकि जैसे ही केजरीवाल का ये बयान मीडिया में आया, विपक्ष ने अपने अपने तरीके से केजरीवाल को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वहीं केजरीवाल की तरह ही कई पार्टी के नेताओं ने अपने अपने कथन के अनुसार नोट पर तस्वीर लगाने की भी बात कही। किसी ने शिवाजी की बात कही तो किसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की। लेकिन आज हम आपको भारतीय नोट के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगी। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अब तक छापा गया सबसे अधिक कीमत का नोट 10,000 रुपए का था। ये नोट 1938 में छापा गया था, मगर इसे जनवरी 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया। 10,000 रुपए का नोट फिर से 1954 में छापा गया था, मगर 1973 में इन्हें फिर डिमोनेटाइज कर दिया गया। इसके अलावा बैंक नोटों की भाषा पैनल में 15 भाषाएं होती हैं। वहीं नोट के केंद्र में प्रमुख रूप से हिंदी और बैंक नोट के पीछे अंग्रेजी में लिखी जाती है। नोट की कीमत को 15 भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है। क्या एक ही सीरियल नंबर के दो नोट संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, एक ही सीरियल नंबर वाले दो या दो से अधिक बैंक नोट संभव होना है। हालांकि इन पर या तो अलग अलग इंसर्ट लेटर होगा या छपाई का वर्ष अलग होगा या आरबीआई के अलग अलग गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। इंसर्ट लेटर बैंक नोट के नंबर पैनल पर छापा एक अक्षर है जिसके आगे सीरियल नंबर लिखा होता है। बिना इंसर्ट लेटर के भी नोट्स हो सकते हैं। जैसा कि अगर आप जानते होंगे कि सभी नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस नोट पर आरबीआई के गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। अगर आप किसी सिक्के को गौर से देखें तो पाएंगे कि उसके जारी होने के साल के नीचे एक निशान बना होता है। आप इसकी मदद से ये जान सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ ढला हुआ है। अगर साल के नीचे डायमंड का निशान है तो ये सिक्का हैदराबाद में ढला है, अगर डॉट है तो वो नोएडा में ढला है। वहीं इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में भी सिक्के ढाले जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में ब्लेड बनाने के लिए 5 रुपए की तस्करी की जाती थी। 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड बनाए जाते थे और प्रत्येक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी। इस बात की जानकारी होने के बाद भारत सरकार ने सिक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल को ही बदल दिया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।